अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। तो व्यूअर्स, काफ़ी वीडियोस मैंने सीपीएम के हवाले से आप लोगों के लिए इस चैनल पर बनाए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि भाई कुछ ऐसा मेथड बताओ जहां से अगर हमारा नया चैनल है और हमारे चैनल पर जो है मतलब कि हम सीपीएम करना चाहे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पेड वीपीएन जो है अफोर्ड कर सके, तो ऐसा मेथड बताओ जिससे हमारा जो सीपीएम वर्क है वो भी चल सके और हम यूट्यूब की नज़र में भी ना आ जाए और हमारा नया चैनल हो फिर भी हमारे चैनल पर सीपीएम वर्क भी कर ले। तो गाइज, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक ऐसा तरीका समझाने लगा हूँ जिससे अगर नए बंदे इस पर काम करेंगे तो विदाउट पेड वीपीएन इंशाल्लाह आप लोगों का 100% आप लोगों के चैनल पर रिवेन्यू भी बनेगा। इसमें जीरो पैसा आप लोगों के लगेगा, कोई भी आप लोग मतलब इसके लिए ना तो किसी को अपना चैनल दोगे ना ही किसी को अपने चैनल का पासवर्ड दोगे, यानी कुछ भी आप लोगों के पास मतलब आप लोगों से नहीं जाएगा, सब कुछ आप लोग फ्री में कर सकते हो अपने चैनल पर। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात जिसका मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि अगर आप लोगों के पास दो चैनल हो तो ये आप काम कर लो, क्योंकि एक चैनल अगर आपका सीपीएम के वजह से चला भी जाए तो आपको इसका फर्क ना महसूस हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको मेन चैनल पर करेंगे जिस तरीके से ये वसीम मरवत वाला है, इस पर मैं सीपीएम नहीं कर रहा, अगर आप लोग इसी तरीके से किसी मेन चैनल पर आप लोग जिससे आप लोग चाहते हो कि यार फ्यूचर में भी ये जो है मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप इस पर सीपीएम मत करो, किसी ऐसे चैनल पर करो जिससे अगर आपका वो मोनेटाइज डीमोनेटाइज भी हो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। तो आप चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं वो नया तरीका, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर आप क्लिक कर सकते हो, साथ ही साथ आप लोग नोटिफिकेशन को आल मतलब आल पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यूर्स, हम नए लोगों के लिए एक नया तरीका लेके आए हैं जिससे आप लोग अपने नए चैनल पर सीपीएम स्टार्ट करके अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। यानी अगर आप जो है 3-4 महीनों में $100 बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर लेते हो तो इंशाल्लाह इस तरीके को आजमा कर आप लोग 1 महीने के अंदर भी $100 आसानी से कमा सकते हो। बिल्कुल भाई, बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जो अपने नए चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करते हैं लेकिन फिर भी उसका डेली का अर्निंग जो होता है 0.25 पैसा या 0.5 पैसा, 0.10 पैसा, यानी $1 तक भी वो नहीं जाता, बहुत मुश्किल से $1 तक जो है वो पहुँच जाता है किसी ना किसी दिन, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस तरीके को अप्लाई कर लो, रोजाना आपको या तो $3 या फिर $4 या फिर $5 जरूर मिलेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को थकाऊंगा नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आप लोगों के पास पेड वीपीएन नहीं है तो आप लोगों ने यह करना है कि सबसे पहले तो आपने अपने चैनल देखना है कि आपके चैनल पर खुद के व्यूज कितने आते हैं। अगर आपके चैनल पर खुद के व्यूज़ 1200-1300 तक आ जाते हैं तो बिल्कुल भाई आप उस चैनल पर सीपीएम कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपके चैनल पर मतलब के 200 व्यूज़ है या 300 व्यूज़ है तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर सीपीएम ना करो, क्योंकि फिर उस पर अगर आप 2-3 क्लिक भी करोगे फिर भी आप लोग उस पर पकड़ जाते हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि आपके चैनल पर अगर कम से कम 1000 भी हो तो फिर आप सीपीएम उसके ऊपर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जब आपके पास पेड वीपीएन नहीं है तो फिर क्या करें, फिर आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने 7 फ्री वाले वीपीएन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेने हैं, 7 फ्री वाले वीपीएन। अब उनका क्या फ़ायदा है, उनका ये फ़ायदा है कि जब 7 वीपीएन आप लोग इंस्टॉल करोगे फ्री वाले तो हर एक वीपीएन का जो है मतलब अलग से एप्लीकेशन मतलब अलग से होगा तो इंशाल्लाह ज़्यादा सिक्योर लगेगा। उसके लिए रीज़न मतलब कि इस तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले यानी मंडे हैं आज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज मंडे है तो मंडे के दिन आप जो है एक वीपीएन यूज़ करो, फिर उसके बाद जो मतलब मंगल का दिन आता है तो उसके बाद आप दूसरा वीपीएन यूज़ करो, फिर बुध के दिन आप कोई तीसरा वाला वीपीएन यूज़ करो। इस तरीके से आप सीक्वेंस के मुताबिक चलते रहो, जब 7 दिन कंप्लीट हो जाएगा आपके पास 7 वाले वीपीएन भी ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा से आप जो पहले वाला यूज़ कर रहे थे तो आप फिर से वही यानी उस तरीके से सीरीज फिर से स्टार्ट कर दे, यानी इस तरीके से। और हाँ, हर एक वीडियो पर हर मतलब हर दिन अगर आप नई वीडियो अपलोड करते हो तो उस पर तकरीबन आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अगर करने हैं तो 15 या 10
क्लिक करने हैं, मतलब 10 या 15 वीडियोस पर यानी सीपीएम वर्क करना है, उसके बाद ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करना है। इंशाल्लाह अगर आप लोग 15 या 10 व्यूज़ जो है यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट इसी कंट्री से क्लिक करते हो अपने चैनल की वीडियो पर, और जो चैनल की वीडियो पर क्लिक करने के लिए तो नहीं, सिर्फ आप लोगों को नीचे उसके नीचे एक एड शो होता है, उस एड पर आप लोगों ने क्लिक करना है। वहाँ आप मतलब वो आपको एक वेबसाइट से लिंक करवाएगा, वेबसाइट से लिंक करने के बाद आप लोगों ने उस वेबसाइट पर तो इधर उधर स्क्रॉल करते रहना है, स्क्रॉल करते रहना है इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल एक रियल बंदा आया है, यानी किसी को मतलब कि जो वेबसाइट के एल्गोरिथम है वो ये समझ ले कि ये कोई रोबोट नहीं है, ठीक है, रियल बंदा है, तो बिल्कुल आपका पैसा ऐड होगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने कम से कम वेबसाइट पर टाइम गुजारना है 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट ज़रूर आप लोगों ने गुजारना है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से आके अपने यूट्यूब की हिस्ट्री क्लियर कर देनी है, अपने वेबसाइट के मतलब वो हिस्ट्री आप लोगों ने क्लियर करनी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।